कितने रुपए हुए? 10 रुपए। अरे सुनिए जी, ये आपका मोबाइल ऑटो में रह गया था। जी ये मेरा मोबाइल नहीं है। जी आप ही का होगा, आप ही अभी उतरी थी। मैंने कहा ना ये। वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की मैडम? वो जो अभी अभी मेरे उतरने पर आपके ऑटो में बैठी थी। यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी मैडम। मैं पक्का आऊंगी। हाँ हाँ उषा को तो लेके आऊंगी। हाँ हाँ वो मैंने सिलवा लिए हैं। तैयारियां सब हो चुकी हैं। हाँ अब बस उषा आती होगी। पक्का पक्का बोलूंगी मैं उसको भी। मैं आपको रात को फोन करती हूँ। ओके अरे आगे बेटी आओ। क्या बात है, मेरी बेटी आजकल बहुत लापरवाह हो गई है। मैं लापरवाह? मैं कुछ समझी नहीं माँ। अभी अभी तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारी एक फ्रेंड आई थी, एक मोबाइल देकर गई है जिसे तू ऑफिस में छोड़ आई थी। क्या? मैं अभी लेकर आई। ये रहा मोबाइल। माँ ये मोबाइल मेरा नहीं है। क्या बात है बेटी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ मैं अभी अभी मोबाइल कचरे के डब्बे में फेंक कर आ रही हूँ। क्या बात कर रही हो बेटी, ये तो महंगा मोबाइल है, कैमरा भी है। माँ मेरी बात सुनो, ये मोबाइल मेरा नहीं है। और ये आपको झोंकरी में देखे गई है वो मेरी सहेली नहीं है। आप तो मेरी हर सहेली को जानती हो ना। हाँ वो तो ठीक है, वो कह रही थी कि तुम्हारी अभी अभी उससे पहचान हुई है। अच्छा मैं समझ गई, ये मोबाइल बहुत महंगा है इसलिए तुम उससे छुपा रही हो ना। माँ ये मेरा मोबाइल नहीं है। और पता नहीं वो कौन है जो आपको ये देकर गई है। पर इस मोबाइल का क्या करे, मैं इसको फिर से फेंक कर आती हूँ। उषा बेटी ओ Ah!
ठीक है, लेकिन मोबाइल कहाँ है? तू खामखा डर गई थी। मां मैं सच बोल रही हूँ, मेरे हाथ में था। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। मिसेस निर्मला साहू। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही निर्मला साहू हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था। ये है मेरी बेटी उषा। दरअसल एक मोबाइल फोन हमें बहुत तंग कर रहा है। कहाँ है वो मोबाइल फोन? अंदर है बेडरूम में, सीधा जाके लेफ्ट। ओके। अच्छा, तो जिस लड़की ने आपको ये मोबाइल फोन दिया था वो आपको इसमें नजर आती है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इस मोबाइल को दोबारा कचरे के डब्बे में फेंक चुकी हूँ, मगर न जाने क्यों ये फिर से हमारे घर आ जाता है। देखिए, जो कुछ भी आप कह रही हैं उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मगर इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल मैं अपने साथ ले जाता हूँ और मैं मोबाइल कंपनी से बात कर लेता हूँ कि ये मोबाइल किसका है। ठीक है जी। जी जी, मैं चलता हूँ। इस मोबाइल की चोरी होने की रिपोर्ट हमें मिल चुकी थी, इसलिए हमने ये नंबर को ब्लॉक कर दिया। ओके। मैम, एक काम हो सकता हमारे लिए, ये मोबाइल किसका है और उसका पता हमें मिल सकता है? ओके। ये लीजिए। थैंक यू मैम।
जी मैं इंस्पेक्टर विशाल देशमुख। आप? अशोक सुमन हूं। यानी के प्रीति सुमन के पिता। जी दरअसल मैं प्रीति सुमन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आया हूं। लेकिन वो यहां नहीं रहती। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए प्लीज। कौन आया है? इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हाँ? दो चाय ले आना। आइए तशरीफ रखिए। नहीं 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 बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताइए, आप इस मोबाइल को पहचानते हैं? लगता है ये प्रीति का है। प्रीति कहाँ है? हम नहीं जानते, और सच पूछो तो वो हमारे लिए मर चुकी है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, माना कि जमाना मॉडर्न हो गया है, बदली हो गया है, लेकिन हम आज भी अपनी उन परंपराओं को नहीं भूले। आज भी हमें अपनी संस्कृति और कल्चर प्यारी है। हमारी बेटी को हमने जो भी सिखाया, लेकिन हमारी लड़की हमारे बताए हुए रास्ते पर कभी नहीं चली। हमेशा उसने अपनी मनमानी की। उसने हमें दुख के सिवा आज तक कुछ नहीं दिया, और आज से 6 महीने पहले वो इस घर को छोड़ के चली गई। इस बीच में आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला? सिर्फ इतना पता चला कि वो एक लड़के के साथ घूमती थी और उसी से शादी करने वाली थी। आप कुछ उस लड़के के बारे में बता सकते हैं मुझे? नहीं, ना हम जानते हैं और ना हम जानना चाहते हैं। आखिरी सवाल मिस्टर सुमन। पूछिए। आपकी लड़की आखिर करती क्या थी? वो ब्राउन एंड ब्राउन कंपनी में काम करती थी। ब्राउन एंड ब्राउन कंपनी। ठीक है सर, मैं चलता हूं। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो आपको जरूर तकलीफ दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। तो फिर कब आ रहे हो? जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और क्या? वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारी हमेशा की यही बात रहती है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय। वेट 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 वेट, आई वांट टू रिकॉर्ड यू। यस, अब तुम मेरे इस मोबाइल में हमेशा के लिए कह दो। हो गया? हाँ हो गया। बाय बाय। बड़ी हैरत में हूं कि मेरे पास ये मोबाइल आपके पास कैसे आ गया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी अभी इस पर से पूरी कार गुजर गई और ये वैसे का वैसा ही है। खैर इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पर ये बताइए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो यहाँ एक लड़का काम करता है, कुमार। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमारी शादी की बात भी चल रही है। वैसी? अच्छा तुम जा सकती हो।
कुमार। इंस्पेक्टर साहब आइए। मेरा नाम इंस्पेक्टर विशाल देशमुख है। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या बात है? मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? जी, दरअसल आपके ऑफिस में एक लड़की काम करती है, प्रीति सुमन। मैं उसे मिलना चाहता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्रीति सुमन हमारे ऑफिस में 6 महीने पहले काम करती थी। 6 महीने से वो ऑफिस नहीं आई है। ओ ऐसी? आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो प्रीति सुमन के काफी करीब हो, उसके बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से जानता हो? सर, प्रीति सुमन को काफी लड़के जानते थे। मिस्टर कुमार, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं जो प्रीति सुमन के साथ शादी करना चाहता था। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ याद आ जाए तो आप मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। जी हाँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कुमार। माय प्लेजर। बड़ा खूबसूरत मोबाइल है आपका। और हैरत की बात तो यह कि ऐसा मोबाइल मेरे पास भी है। ये देखिए, है ना बिल्कुल आपके जैसा। दरअसल ये मोबाइल प्रीति सुमन का है। ये तो इत्तेफाक है, कभी कभी दो लोगों की पसंद एक हो जाती है मिस्टर कुमार। जी इंस्पेक्टर, मैं चलता हूं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रीति की बहुत याद आ रही है। वो इस वक्त हम दोनों के लिए चाय बना के लाया करती थी। मैं चाय बना कर ला रही हूँ। अरे ये तो प्रीति की आवाज है, ये घर में कैसे घुस आई? वो क्या समझती है हम उसे ऐसे ही माफ कर देंगे? अरे अब वो आ गई है ना, तो जाने भी दो ना। अरे कैसे जाने दूं? तुम भी अजीब आदमी हो। जब प्रीति घर पर नहीं होती है तो उसकी याद में रात रात भर जागते हो, और अब वो आ गई है तो कुछ नहीं। तुम अभी कभी किचन में जाओ और उसे कह दो कि वो अभी कभी निकल जाए, मैं उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। जाओ। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। प्रीति? चली गई और आपने रोका भी नहीं? कौन चली गई? अरे कौन क्या, हमारी बेटी प्रीति
क्या बेकार की बातें कर रही हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखो वो हमारे लिए चाय और नाश्ता बना के गई है। इतने दिनों के बाद मेरी बच्ची आई थी, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने उसे भगा दिया। कहाँ है मेरी बेटी? मेरा गुस्सा करना गलत है क्या? अरे ले दे कि हमारी एक ही से बेटी है, अगर वो भी घर छोड़ के चले गई तो मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? उसकी आरती उतारूं, उसे इनाम दूं, यह कहकर कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। रो क्यों रहे हैं? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा आए तो पापा प्लीज मत रोइए। पापा मैं जानती हूं मैंने गलती की है, और जब तक मैं वो गलती ना सुधार लूं मैं वापस नहीं आऊंगी। प्रीति 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 मेरी बच्ची। उषा you
मेरा वहम तो नहीं? साहब आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, यहां मोबाइल रखा था, कहां गया वो? साहब मुझे मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने इसको जेब में नहीं रखा। घबराओ मत, मुझे तुम्हारी नियत पर कोई शक नहीं। पर साहब ये मेरे जेब में कैसे आ गया? यही तो पता करना है, समझाओ। यस सर। मैं प्रीति सुमन बोल रही हूँ। हेलो प्रीति, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जरूर मिलेगा इंस्पेक्टर, लेकिन उससे पहले जो आपके पास मोबाइल है उसमें एक हनीमून सीन है, आप उस सीन को जरूर देखिएगा। शो पसंद नहीं आया आपको? मोबाइल बंद क्यों कर दिया आपने? आगे भी देखते, ऐसे कई खेल हैं जो दिन रात खेले जा रहे हैं, किसी के बेडरूम में, न जाने कौन कब कैमरे से उनकी निजी जिंदगी की तस्वीरें ले लेता है, और उसमें मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ कितना घिनौना खेल खेला जा रहा है। लेकिन अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। आप bigshow.com देखिएगा, आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। अरे सुनिए, ये मोबाइल आपका है? मामा!
कोई नहीं है, मां मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी वो लड़की यहीं पर थी, उनसे कह रही थी ये मोबाइल आपका है। क्या? हाँ मां, मैं वो मोबाइल नहीं भूल सकती, उसका डिजाइन नहीं भूल सकती मैं। हो सकता तुम्हारी बात सच हो, लेकिन यहाँ तो कोई लड़की है ही नहीं। बेटा हो सकता तुम्हारा वहम हो, भागी नहीं, मैं अब भी यही हूं। मेरा नाम प्रीति सुमन था। प्रीति सुमन था? हाँ, नाम तो जिंदा लोगों के हुआ करते हैं ना। और तुम? मैं? मुझे मरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। तुम जो भी हो, एक बात बताओ, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम हमारे पीछे पड़ी हो? मैं जानती हूँ कि मैं आपके पीछे पड़ गई हूँ, लेकिन इसकी एक खास वजह है। मैं नहीं चाहती जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो उषा के साथ भी हो। उषा के साथ? क्या हो सकता है उषा के साथ? देखिए, आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी जिसका नाम कुमार था, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों एक कंपनी में काम करते थे जिस कंपनी का नाम था ब्राउन एंड ब्राउन। ब्राउन एंड ब्राउन कंपनी? हाँ, ब्राउन एंड ब्राउन। कम इन। प्रीति, अब तुम्हें भी मेरे ऑफिस में नॉक करके आने की जरूरत है। क्यों? क्या पता इस कमरे में कोई और भी हो। प्रीति, मेरे इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं, ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ खूबसूरत लड़के काफी बेवफा होते हैं, और बेवफाई को अपनी मजबूरी भी बना लेते हैं, तभी तो इतनी सारी लड़कियां इर्द गिर्द घूमती हैं। मगर ये खूबसूरत लड़का सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। खैर ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे फादर ने क्या कहा? नौकरी थी,
ये नहीं हो सकता। न जाने तुमने अपने मन में ये कैसे सोच लिया कि तुम इस घर के सारे उसूल तोड़ते रहोगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम नौकरी करो, लेकिन तुमने नौकरी की। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हमारी बिरादरी में हो, लेकिन तुम कह रही हो कि तुमने लड़का पसंद कर लिया है जो तुम्हारी ऑफिस में काम करता है। न उस लड़के से, न उस लड़के के खानदान से हमारे खानदान के रीति रिवाज मिलते हैं। लेकिन पापा, मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ, उसके रीति रिवाजों के साथ में। देखो प्रीति, मैं इस मामले में कोई बहस में उतरना नहीं चाहता। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और शादी के मामले में मैं तुम्हें कुछ भी मनमानी नहीं करने दूंगा, समझी? कोई बात नहीं, मैं भी अपनी जिद्दी बाप की जिद्दी बेटी हूँ। क्या ये कहा तुम्हारे पापा ने? हाँ कुमार, पापा बहुत जिद्दी हैं। एक बार फैसला कर लेते हैं तो फिर कभी अपना फैसला नहीं बदलते। अब क्या होगा? होना क्या है कुमार, मैं भी अपने जिद्दी पापा की जिद्दी बेटी हूँ। मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? क्या फैसला किया तुमने? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने पापा का घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और मैंने अपना घर छोड़ दिया। मेरे पिताजी भी उतने ही जिद्दी थे जितनी कि मैं। कुछ दिनों तक मैं अपने सहेली के घर रुकी, उसके बाद वुमन हॉस्टल चली गई। फिर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अपने माता पिता से मिलाने अपने घर ले गया। मिस्टर सदाचारी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा वही करेगा जो मैं कहूंगा। डैडी। ओ, आ गए तुम। अब ये मेरे डैडी हैं, और डैडी ये प्रीति सुमन। नमस्ते। अच्छा, ये तुम्हारी दोस्त है? जी, मैं इनके साथ ऑफिस में काम करती। हाँ, कुमार ने बताया था। मिस्टर सदाचारी, यह है मेरा बेटा कुमार, और ये लड़की प्रीति कुमार के ऑफिस में काम करती है। नमस्ते। आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। हेलो, हाय। और प्रीति, ये जो लड़की है ना, सरिता सदाचारी, उसे मैंने चुना है कुमार के लिए। अब बताओ हमारी पसंद कैसी है? अंकल, मानना पड़ेगा आपको दुल्हन पसंद करवाने का तरीका बहुत ही अनोखा है। लड़की बहुत अच्छी भी है। मुबारक हो कुमार। मुझे अफसोस है कि कुमार, मुझे बता, तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया था, मेरा इंसल्ट करवाने के लिए? प्रीति, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह जब मैं अपने घर से निकल रहा था, तो निकलते वक्त मैंने अपने डैडी से कहा कि आज शाम को मैं तुम्हें उनसे मिलाने वाला हूँ। अच्छा, तो फिर वो लड़की वहाँ क्या कर रही थी? मिस्टर सदाचारी और उनकी वाइफ वहाँ क्या कर रहे थे? तुम अच्छी तरह जानते हो कुमार, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ दिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें लगता है प्रीति, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें नाराज और शर्मिंदा होना पड़े।
जिस तरह तुमने मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी कहिए। मैं सुंदर सिंह मकवाना, मिस प्रीति से मिलना है। एक मिनट। हाँ मैडम, कोई मिस्टर सुंदर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ, आप वेटिंग रूम में बैठिए, मैडम आती होंगी। जी कहिए। नमस्कार, मैं सुंदर सिंह मकवाना, होटल विहार का मैनेजर। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? हम तो ये भी जानते हैं कि आप शादी करने जा रही हैं, वो भी इस महीने की 25 तारीख को। देखिए, हम ये चाहते हैं कि आप अपना हनीमून हमारे होटल के स्वीट, बेस्ट स्वीट, महाराजा स्वीट में मनाएं। और हम यकीन दिलाते हैं कि हम आपके हनीमून को यादगार बना देंगे। लेकिन आपका होटल तो बहुत बड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव भी होगा। देखिए, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सॉरी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जनता की सेवा करना हमारा पहला फर्ज है। हम आपको इतना कंसेशन देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हम आपको अपने होटल का बेस्ट स्वीट देंगे, महाराजा स्वीट। देखिए, इनकार मत कीजिएगा। क्या है कि आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान की सेवा करना हमारा पहला धर्म है। ओके ओके, अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्ते। संपन्न हुआ। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। लीजिए मेन साहब, अब हो गई हम दोनों की शादी। अब हमारे माँ बाप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब ये बताइए, चलना कहाँ है? आपके वुमेन्स हॉस्टल तो जा नहीं सकते, और मैं जा रहता हूँ वो बैचलर हाउस है। ऐसा करते हैं, यहाँ से पास एक होटल है, होटल बिहार, वहाँ चलते हैं। वहाँ के मैनेजर ने एक स्पेशल स्वीट बुक कर रखा है, वो भी कंसेशनल रेट्स पे। ओह वाओ। आओ।
वह एक पवित्र बंधन है, दो आत्माओं का मिलन है। लेकिन इस विवाह ने मेरा सब कुछ छीन लिया। हमने एक गृहस्थी सजाई थी, एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था। उस दिन मैं घर पर ही थी, दफ्तर नहीं गई थी। कुमार, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज कुमार, अब ये मजाक छोड़ो। देखो, अब हम प्रेमी प्रेमिका नहीं बल्कि मियां बीवी बन चुके हैं। मियां बीवी, पति पत्नी, बंद करो ये पति पत्नी का नाटक। तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने जो किया है ना, वो दुनिया की कोई गिरी से गिरी औरत भी करने में शर्माएगी, समझी? लेकिन कुमार प्लीज, मैंने किया क्या है? प्रीति, तुमने हमारी वो सुहाग रात, होटल बिहार की वो रात कितने रुपयों में बेची है? कितने रुपयों में बेची है? कुमार स्टॉप इट! चिल्लाओ मत। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ कुमार, आओ इधर। देखो, नाटक मत करो। तुम्हारा नाटक अब खत्म हो चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो कुमार? ठीक कह रहा हूं मैं। हमारी सुहागरात की सीरीज मार्केट में बेची जा रही है, यहां तक कि तुम इसे अपने मोबाइल पर भी देख सकती हो। मुझे ये सीडी मेरे दोस्त ने भेजी है, ये बोलकर कि वो शादी में नहीं आ सका, इसलिए तोहफा भेज रहा है। मैंने उसका वो तोहफा अपने कंप्यूटर पर लगाकर देखा तो मुझे पता चला कि इस मासूम चेहरे के पीछे क्या छुपा है। नहीं कुमार, मेरी बातों को विश्वास करो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, सच। जब तक इस काम में हम दोनों में से कोई एक शामिल ना हो, ये हो ही नहीं सकता था। और वैसे भी होटल विहार का रूम तो तुमने ही बुक किया था ना, कंसेशनल रेट दे रहे थे तुम्हें वो लोग, बेस्ट स्वीट ऑफ होटल विहार। प्रीति, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए इस घर में। कुमार, ये तो क्या कह रहे हो कुमार? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी तुमने किया वो सब सामने है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। Now get out of my house! निकल जाओ यहाँ से। नाटक मत करो, तुम्हारा नाटक अब खत्म हो चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो कुमार? ठीक कह रहा हूँ मैं। हमारी सुहागरात की सीरीज मार्केट में बेची जा रही है,
यहाँ तक कि तुम इसे अपने मोबाइल पर भी देख सकती हो। मुझे ये सीडी मेरे दोस्त ने भेजी है, ये बोलकर कि वो शादी में नहीं आ सका इसलिए तोहफा भेज रहा है। मैंने उसका वो तोहफा अपने कंप्यूटर पर लगाकर देखा तो मुझे पता चला कि इस मासूम चेहरे के पीछे क्या छुपा है। नहीं कुमार, मेरी बातों को विश्वास करो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सच, जब तक इस काम में हम दोनों में से कोई एक शामिल ना हो ये हो ही नहीं सकता था। और वैसे भी होटल विहार का रूम तो तुमने ही बुक किया था ना, कंसेशनल रेट दे रहे थे तुम्हें वो लोग। बेस्ट स्वीट ऑफ होटल विहार। प्रीति, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए इस घर में। कुमार, ये तो क्या कह रहे हो कुमार? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी तुमने किया वो सब सामने है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। Now get out of my house, निकल जाओ यहाँ से। ये आप बीती है। मेरे समझाने का कुमार पर कोई असर नहीं हुआ। वो जिस तरह से मेरी जिंदगी में आया था उसी तरह से वापस अपने घर चला गया। उसके माँ बाप ने उसे माफ कर दिया और मैं अपना सब कुछ लुटाकर तन्हा खड़ी थी। मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हुआ और ये भी जान गई थी कि मेरा अपने पति के साथ समझौता कभी नहीं हो सकता। वैसे भी जिस शादी में समाज शामिल ना हो वो शादी कैसे कहलाएगा? मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती? इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं होटल विहार जाऊंगी। अरे भाई, अभी तो पहले ड्रामे का खुमार ही नहीं उतरा है, अब देखते जाओ तुम, नोटों की बरसात होने वाली है। अरे तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैंने ऐसा बंदोबस्त करके रखा हुआ है ना, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने वाली। मिसेस प्रीति, तुम मिसेस प्रीति कैसी हो तुम? तूने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है और अब तू मुझ पर टॉन्ट कर रहा है? क्या? मैं कुछ समझा नहीं प्रीति। तूने मुझ जैसे शरीफ घराने की लड़की को, एक ऐसी दुल्हन को जिसकी सुहागरात की नींद अभी टूटी भी नहीं थी, एक ऐसे रिश्ते को मौत की नींद सुला दिया है। तूने इस बीवी को वैश्या बना दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है प्रीति। प्रीति जस्ट कूल डाउन, प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मेरी इतनी सी भूल है कि मैं इस सीडी को इस शहर से दूसरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करना। कमीने! मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनो, प्लीज समझो, मुझे मार को कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा भला इसी में है कि तुम मेरी बात मान जाओ। तुम्हें लाखों करोड़ों कितने पैसे चाहिए बोलो मुझे, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो, इसके लिए मेरी बात माननी होगी। लाखों करोड़ों में खेलोगी, तुम्हारी तेज लाखों करोड़ से बढ़ जाएगी। प्रीति मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में होटल विहार का पूरा मैनेजमेंट स्टाफ इकट्ठा हो गया था। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय मुझे बेहोशी की हालत में मेरे हाथ पैर बंधवाकर समुद्र में फिकवा दिया।
यही मेरी कहानी है। तुम्हें ये कहानी सुनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस इंसान के साथ तुम शादी करने जा रही हो उसका नाम कुमार है, और जिस इंसान के साथ मैंने शादी की थी उसका नाम भी कुमार था। मैं उस लड़के से उषा की शादी नहीं होने दूंगी। ऐसा मत कहिए, कुमार एक बहुत ही अच्छा लड़का है। माना कि उसने मेरे साथ संबंध तोड़ दिया, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और भी लड़का होता तो वो भी यही करता। दोषी कुमार नहीं है, दोषी तो होटल बिहार का मैनेजर सुंदर है, जिसे मैं आपकी मदद के साथ सजा देना चाहती हूँ, ताकि वो और किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तुम्हें कुमार के साथ शादी करनी है और अपने सुहागरात के लिए होटल बिहार का वही कमरा चुनना होगा। लेकिन कुमार इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानता है कि तुम मर चुकी हो या जिंदा हो। हाँ, वो कुछ दिनों से मुझसे कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा था, शायद तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था वो। प्रीति, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और उसके लिए तुम्हें न्याय भी मिलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मार मेरी बात मान जाए। ऐसा ही होगा। पता जाने अब तक कैसी गलत फहमी का शिकार था, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हम जैसे लोगों को आजाद ख्याल लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो उन्हीं आजाद ख्याल लोगों में बुराइयां नजर आने लगती हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो प्रीति। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सका, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस, कम इन कम इन। मैं उषा साहू। यस यस, प्लीज सिट डाउन। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपके होटल विहार की बहुत तारीफ सुनी है, आपके होटल का नाम इतना अच्छा है, तो उम्मीद करती हूँ कि सर्विस भी अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, हम वादा करते हैं कि हम शिकायत का एक भी मौका नहीं आने देंगे। Good. I'm getting married. Oh, congratulations. मुबारक हो. Thank you. हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी शादी के फेरों से लेकर हनीमून तक का सारा इंतजाम हम खुद करेंगे, और ऐसा इंतजाम करेंगे कि आप इस होटल को कभी भूल नहीं पाएंगे। यही सुनकर तो मैं यहाँ आई हूँ। In fact, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा मंडप यहीं पर बने। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और फिर देखिए हम क्या क्या करते हैं। बाय द वे, आपकी शादी कब है? इसी महीने की 25 तारीख। एनीवेज, आई लीव, थैंक यू, बाय। इंस्पेक्टर विशाल देशमुख। इंस्पेक्टर देशमुख, मैं उषा बोल रही हूँ। हाँ उषा, बोलो। आप उस अनोखे मोबाइल के बारे में तो जानते ही हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि उसमें जो कमरा दिखता है वो कहाँ है? उस कमरे का पता मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ उषा। लेकिन मुझे उसका पता चल गया है, वो कमरा होटल विहार का है, महाराजा स्वीट। महाराजा स्वीट, तुम्हें कैसे पता चला? इंस्पेक्टर, मेरी शादी होने वाली है, मैं उस होटल में कमरा बुक करने गई थी, और महाराजा स्वीट जब मैंने देखा तो मैं चौंक गई, ये वही कमरा है जो हमने मोबाइल में देखा था। आर यू श्योर उषा? आप खुद ही पता कर लीजिए। वो तो मैं पता लगा ही लूंगा उषा,
महाराजा स्वीट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इंस्पेक्टर, यस यस, कम इन प्लीज, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कहिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? दरअसल मैनेजर साहब, मैं एक बड़े पर्सनल काम के साथ आपके पास आया हूं। मेरे एक दोस्त है, उनकी शादी है इस महीने की 25 तारीख को, और वो चाहते हैं कि शादी का पूरा इंतजाम आप अपने जिम्मे ले लें। वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इसी महीने की 25 तारीख को एक शादी और भी है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब हमें अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे होटल का बैच स्वीट यानी कि महाराजा स्वीट हम आपको नहीं दे पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने अपने ये महाराजा स्वीट के दर्शन हमें तो करा दीजिए जो आप हमारे दोस्त को नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलिए। आइए स्वागत साहब। आपका ये महाराजा स्वीट वाकई में महाराजा स्वीट है। खैर आप मुझे वो कमरा दिखा दीजिए जो आप मेरे दोस्त को देने वाले थे। आइए मेरे साथ चलिए। तैयारियां चल रही हैं, थोड़ी देर में सब हो जाएगा। रुपयों की बरसात कराने वाला एक और ड्रामा शुरू होगा। तो ये दूसरी शादी कर रहा है। खैर हमें क्या फर्क पड़ता है। Thank you.
कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम ये नहीं हो सकता। क्यों डॉग गए मिस्टर सुंदर? तुम यहाँ? ये नहीं। क्या देख रहे हो? ये वहां भी मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूँ, और जिस उषा को तुम फंसाने की कोशिश करने वाले हो वो अपने पति के साथ मंडप में है। यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम हो। नहीं, कोई भी इंसान मरकर कैसे जिंदा हो सकता है? मैंने तो खुद तुम्हें मारकर समुद्र में फेंका है। हाँ, मैं उसी का बदला लेने आई हूँ यहाँ पर। नहीं, मैं प्रीति सुमन नहीं, प्रीति की आत्मा हूँ। क्या बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को नंगा करने का और नंगा देखने का? पैसे के लालच के लिए तुमने मुझ जैसी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सब समझ गया। ये वो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ आया था। ये सब उस पुलिस वाले की चाल है। मैं तुम्हें यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तू यहाँ आ गई है तो सुनने कान खोल के यहाँ से बच के नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं। मरेगी तू यहाँ पे। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी बेवकूफियों पर। अगर ये पुलिस का जाल होता तो अब तक तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होती। ये पुलिस का जाल नहीं, ये मेरा जाल है, प्रीति का जाल। रुक जाओ, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पहली बार किसी आत्मा से मिल रहे हो, इसीलिए आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मुझसे भूल हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। सुंदर, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी, और तुम्हारी सजा है सजाए मौत। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। प्लीज भगवान के लिए एक बार मुझे छोड़ दो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बधाई हो।